सुशीलाज किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं मिठी पूरी गुड़ वाली। तो जो गुड़ वाली पूरी है वो हमारी ये इस तरह से बन के तैयार होगी। और हम इन्हें कैसे बनाते हैं रेसिपी अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। गुड़ वाली जो रोटी है वो सांगरी की सब्जी के साथ, मेथी की सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और होली के बाद राजस्थान में एक स्पेशल पूजा होती है, शीतला माता की पूजा, तो उसमें ठंडा खाना बनता है, तो उसमें ये मीठी रोटी जरूर बनती है। तो आज हम वही मीठी रोटी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने लगभग आधा किलो गुड़ एक गिलास पानी के अंदर भिगो दिया था। और भीगने के बाद इस गुड़ को हमने छान लिया, तो ये लगभग आधा लीटर से थोड़ा ज्यादा ही पानी हो गया है गुड़ का। इसमें जितना आटा लगेगा उतना आटा हम लगाएंगे। मैंने अभी 3 बोल आटे के लिए हैं, जरूरत हुई तो हम आटा और ले लेंगे। और इसमें हमने 1 बोल ये नारियल का पाउडर, 1 टेबलस्पून व्हाइट तिल और 1 टेबलस्पून सौंफ, इतना सामान हमने लिया है। इसके अलावा जो हम डालेंगे इसमें पिंच भर मीठा सोडा डालेंगे, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। आटे को गूंदने के लिए मोइन डालेंगे हम घी का, तेल नहीं डालेंगे, घी डालेंगे। ये देखिए पिंच मीठा सोडा है वो हमने इसमें ही डाल दिया गुड़ के अंदर ही। और हम अभी गुड़ के आटे के अंदर ही डाल देंगे नारियल का बुरादा, सौंफ और काला, ये सफेद तिल, सॉरी काला बोल रही हूँ, सफेद तिल। और इसमें हम अंदाजे से थोड़ा सा घी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कितना घी डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये लगभग भुरभुरा आटा हमारा बन गया है। अब हम ये गुड़ वाला पानी इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। एक खास बात है कि इस आटे को हमने बिल्कुल ढीला ढीला मिक्स करना है, यदि थोड़ा सा भी हमने टाइट कर लिया तो बहुत हार्ड हो जाएगा। गुड़ की एक तासीर होती है कि उसमें जैसा हम करते हैं उसे डबल टाइट आटा हो जाएगा, इसलिए हम बिल्कुल ढीला ढीला इसमें आटा लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, दूध भी अच्छा लगता है मीठी पूरी में। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना ढीला हम आटा लगाएंगे और इसको अच्छे से इकट्ठा करके और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा बिल्कुल रेडी है, ये देखिए बेलने के लिए। इससे हम अच्छे से पूरी अपनी बेल सकेंगे। थोड़ा सा हमने प्लेट में सूखा आटा रख लिया, चकला बेलन है। अब कढ़ाई में हमने थोड़ा रिफाइंड डाल लिया। अब आती है पूरी बेलने की बारी, तो इसमें हम 2 तरह से पूरी बेल सकते हैं। एक तो हम सेम जो ऐसी सीधी लोई बनाई और पूरी बेली, एक हमने एक साथ बड़ा सा बेल लिया और उसमें फिर इस तरह से कटिंग कर ली, गोल किसी शेप देके, गिलास से, प्याले से, किसी से भी हम इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारी अपना इजीनेस है, जैसे हमें इजी लगे वैसे हम पूरियों को सारी बेल के और तल के तैयार कर लेंगे। मीठी पूरी फ्रेंड्स देखिए हमारी एकदम सॉफ्ट, ये देखो एकदम सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पूरी बन गई हमारी। इनको हम सांगरी की सब्जी और मेथी की सब्जी के साथ सर्व करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी गुड़ वाली पूड़ियाँ? जरूर से ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।